अब बेटा हम जो फाइलम पढ़ने वाले हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब बेटा आर्थ्रोपोडा, जब फाइलम के आप चित्र देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो अपने जान पहचान वाले लोग हैं, प्रॉन दिखाई दे रहा है, बिच्छू दिखाई दे रहा है, टिड्डा दिखाई दे रहा है, बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, ये तो बड़े अपने जाने पहचान इसी फाइलम है, तो पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल बेटा मजा आएगा क्योंकि हम इसे जानते हैं। ठीक है चलो बेटा शुरू करते हैं। तो जो फाइलम आर्थ्रोपॉड जो है बेटा, इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइलम आर्थ्रोपॉड इस दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है। क्या है? सबसे बड़ी फाइलम। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो क्लास आती है इंसेक्ट, कीड़े दिखाई दे गए ना आपको कितने सारे, टिड्डे। और बेटा ये क्या है, इस दुनिया में सबसे सादा है। क्या है? सबसे सादा है। जैसे बैक्टीरिया, पर बैक्टीरिया जो है बेटा उसके अंदर क्या मैंने पढ़ा, हमने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशन क्या मिलती है, न्यूट्रिशन की। खाने का तरीका सबका अलग अलग है, ऑटोट्रॉप भी है, हेटरोट्रॉप भी है, सेप्रोफाइट भी है, पैरासाइट भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, सबसे ज्यादा मेंबर है इनके पास। क्या है? सबसे ज्यादा मेंबर है। और आर्थ्रोपोडा का, पोडा का मतलब होता है पैर, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, वो भी आर्थ्रो मतलब कैसे जॉइंट, हड्डियों के जॉइंट, स्केलेटन मिले जिसके अंदर बेटा बढ़िया बने बनाए पैर मिले। क्या मिले? पैर मिले। तो बेटा यहाँ होता है ना, देखो पैर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पैर दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ ठीक, अगला देखो बेटा। इनकी बॉडी बेटा एक ऐसे स्केलेटन से बनी होती है जिसको चिटिन बोलते हैं। ये क्या होता है? ताकतवर होता है, इतना भी नहीं लेकिन बेटा काफी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। ठीक, चिटिन से बनी होती है। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर से सुरक्षा दे, और एंडोस्केलेटन जो अंदर हो, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हड्डियां होती है, स्केलेटन सिस्टम, वो क्या है, एंडोस्केलेटन। अगला देखो, बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है सर, हेड, एक तो बेटा थोरेक्स, फिर एक होता है एब्डोमन। हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, रेस्पिरेशन कैसे करता है इंसेक्ट? भैया इंसेक्ट कई तरीके से कर सकता है, आर्थ्रोपॉड्स कई तरीके से बेटा कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर इंसेक्ट है तो इसके अंदर बेटा ट्रैकिया का सिस्टम है। क्या है? ट्रैकिया सिस्टम है। क्या है? ट्रैकिया सिस्टम है, इंसेक्ट की बात हो। अगर स्कॉर्पियो हो, जो आपको बिच्छू का एग्जांपल दिखाया एनसीईआरटी में, उसके अंदर बुक लंग्स होते हैं। मतलब लंग्स कैसे होंगे, बुक जैसे दिखाई, जैसे बुक खोल रखी हो। क्या? बुक खोल रखी हो। और प्रॉन देखें बेटा, उसके अंदर प्रॉन भी है ना, जिसको बेटा खा जाते हैं आजकल, गोवा हुआ के अंदर बहुत सारे डिश भी बनता है उसका। वो क्या है? उसके अंदर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स, जो मछली में होते हैं, पता है ना, गिल्स ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है मछली में, है ना। अगला देखो बेटा, और अगर बात करें किंग क्रैब की, किसकी? किंग क्रैब की, है ना, क्रैब भी पता है, ये भी खा लेते हैं लोग। तो किंग क्रैब के अंदर क्या होता है? बुक गिल्स। ऊपर देख रहे बुक लंग्स, क्या होंगे? बुक गिल्स। बस बेटा अगला एग्जाम्पल देखो, इसका बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन। कैसा होता है? ओपन। कोई नस वस नहीं होती अंदर, वेन वगैरह कुछ नहीं होती। हार्ट क्या होता है? डायरेक्ट डूबा रहता है खून के अंदर। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे होगा? गंदगी बाहर कैसे निकलेगी? ओस्मो रेगुलेशन बेटा, वो तीन चीजों से हो सकता है। अगर इंसेक्ट होगा तो मालफीजियन ट्यूब्यूल लगेगी। अब तो कॉकरोच गायब हो गया आपके उससे, बुक से, नहीं तो जब कॉकरोच पढ़ते थे तो उसके अंदर मालफीजियन ट्यूब्यूल को पढ़ा जाता था, नीट में क्वेश्चन भी आते थे। ठीक, तो इंसेक्ट में याद रखना मालफीजियन ट्यूब्यूल। और प्रॉन, क्या? प्रॉन जो खाते हैं उसके अंदर ग्रीन ग्लैंड होती है। क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड, तो लोग ग्रीन सब्जी समझ के खा लेते हैं इसको। अगला स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू के अंदर क्या होता है? कॉक्सल ग्लैंड। क्या होती है? कॉक्सल ग्लैंड। तो बेटा इंसेक्ट वाली सबसे ज्यादा बार नीट में पूछी गई है, कॉक्सल ग्लैंड सबसे कम बार पूछी गई है, पर इंपॉर्टेंट तो तीनों है, पता नहीं कब तीसरी पूछ, बीच वाली पूछ ले तो बीच वाली याद रखना, ग्रीन समझकर प्रॉन को खा जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, देखा है हर कीड़े के आगे दो एंटीना निकला रहता है, हा? अब वो एंटीना किस काम आता है भाई? एंटीना काम आता है सेंसरी ऑर्गन, मतलब एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं ये, गर्मी सर्दी खाना ये सब बेटा सेंस करते हैं, वो महसूस करने के काम आता है वो एंटीना। अगले बार क्या होता है, इनके पास आंखें होती है। क्या होती है? आंखें। इससे पहले देखो तो बेटा किसी के पास आंखें थी? इससे पहले हमने जितने भी बेटा फाइलम्स पढ़ी उन फाइलम में आंखें किसी के पास आई सबसे पहली बार? इन्हीं के पास आई, किंगडम आर्थ्रोपॉड्स के पास आई। अगला स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का क्या मतलब है भाई? स्टेटोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर जो बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंख वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकते हैं घूम फिर के कि सबसे पहली बार आंखें कहां पर आई, लेकिन बेटा एंटीना वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो ऊपर से ही बनकर आएगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? अगर इंसेक्ट पूछ ले, अगर इंसेक्ट पूछ ले तो उसके एग्जाम्पल क्या है? तो बेटा इंसेक्ट में इस तरीके से डिवाइड किया हुआ, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट मतलब जिससे पैसा कमाया जा सके। तो एपिस, एपिस इंडिका पूरा नाम है इसका, मतलब हनी भी, शहद बेचकर पैसा कमाओ। बॉम्बैक्स मतलब सिल्क वर्म, सिल्क बेचकर पैसा कमाओ।
लैसीफर, क्या लैसीफर, लैक इंसेक्ट। अगला क्या है वेक्टर। अब ये वेक्टर्स का मतलब क्या है भैया, जहां भी वेक्टर आ जाए इसका मतलब समझना जो बीमारी फैला दे, जो डिसीज स्प्रेड कर दे वो। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम एनोफिलीज। एनोफिलीज का नाम आते ही आपको याद आ गया होगी छठी सातवीं क्लास, जहां पे हम मलेरिया पढ़ते थे, मलेरिया हो गया एनोफिलीज मॉस्किटो से। ठीक, अगला क्यूलेक्स, कौन सा क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये क्यूलेक्स जिसको काट ले उसको बीमारी हो जाती है एलिफेंटियासिस, इसका मतलब हाथ पैर इतने बड़े हो जाते हैं मोटे। अगला अगला है एडीज मॉस्किटो, क्या एडीज मॉस्किटो, तो ये क्या फैलाता है डेंगू, क्या फैलाता है डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर का नाम है एडीज, अभी आ जाएगा बेटा थोड़े दिन बाद ही, है ना। अच्छा अगला देखें ये लैपिस्मा, क्या लैपिस्मा, लैपिस्मा क्या है भैया, कोई भी एक ऐसा इंसेक्ट जिसमें पर ना हो, जिसके पंख ना हो, उसको लैपिस्मा बोलते हैं, या सिल्वर फिश भी बोल देते हैं। अब यहाँ फिश लगा हुआ तो इसे मछली मत समझ लेना, ये मजे मजे में लगा देते हैं, नामिंग की बात है बस। अगला क्या है ग्रीगोरियस पेस्ट, क्या ग्रीगोरियस पेस्ट लोकस्ट। अगला लिविंग फॉसिल, भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिविंग फॉसिल क्या है लोमिनस या किंग क्रैब, ये जो क्रैब घूम रहा है ना इसे लोग खा जाते हैं, इसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, क्या जिंदा जीवाश्म, जिंदा जीवाश्म। तो लिविंग फॉसिल पे बेटा नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन है लिविंग फॉसिल, तो आप बोलोगे लिमुलस या किंग क्रैब। ठीक है, तो लिमुलस तो आया नहीं था, किंग क्रैब ऑप्शन में था, मतलब लिमुलस था ही नहीं, बायोलॉजिकल नाम नहीं था, कॉमन नेम थे। अगला क्या है अगला है बेटा ये क्रस्टिया, जैसे प्रॉन हो गया, और ये अरेक्निड्स, इसका मतलब स्कॉर्पियन हो गया। बस बेटा यही कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, और आपके साथ ये खत्म हुआ।